ए.के. मिश्रा जी आपके लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर लौटकर कांग्रेस को आना पड़ा। दिग्विजय सिंह जो कि कल तक नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उन्हें आज सुबह 11:30 बजे तक ये नहीं पता था, जबकि वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए। उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, ऐसी सुगबुगाहट है। खड़गे ने मना किया। लेकिन आज जब मीडिया के जरिए, आप सोचिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कांग्रेस कैसे डिफेंड करेगी? यानी कि जो दो नॉमिनेशन करने वाले बड़े सीनियर नेता हैं, उन दोनों के बीच आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रेस के जरिए पता चलता है कि खड़गे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तब जाकर दिग्विजय खड़गे के घर जाते हैं। सर, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट मेरे दर्शकों के लिए कर दीजिए। और फिर कहते हैं कि भाई लोकतंत्र है, फिर कहते हैं कि सामंजस्य है, कैसे कह देते हैं? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। कांग्रेस का जो दफ्तर है या इनका जो घर का पूरा, आप देखिए दिग्विजय सिंह जी, उनको पता है कि भाई ये इतने खिलाड़ी आदमी है, अपने कब्जे में आने वाले नहीं है। इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गहलोत थे, तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को सिलेक्ट किया। आप खड़गे जी का देखिए, खड़गे जी ने कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो खानदान से नहीं की है। आप उठा करके मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जब इन्होंने कभी शिकायत की हो आला कमान के खिलाफ। बाकी जिन लोगों ने किया, तो सबसे बढ़िया यहाँ पे जो मुझे प्राइमरी लेवल पे आता है कि इतने सारे चैलेंजेस के बीच में कहीं एक और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन जाए जो खुद हमारे लिए चैलेंज बन जाए, खानदान के लिए चैलेंज बन जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खड़गे जी की कांग्रेस को उबारना, देश को उबारना, ये सब नहीं है। राहुल गांधी को उबारना, उनको प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाए, ये अंदर खाने में जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज और जिम्मेदारी खड़गे जी को ये है, जो कि आगे आने वाले टाइम में दिखेगा। तो सर सिलेक्शन, तो फिर इसको तो मौकरी माना जाए ना? नहीं, ये जो सिलेक्शन 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 का राग अलापा जा रहा है, इसको बोलते हैं केयरफुली सिलेक्टिव सिलेक्शन। केयरफुली सिलेक्टेड सिलेक्शन। अनुज आते जी आ गए, ठीक है सर, एक मिनट का विंडो, हालांकि मैं एक मिनट का विंडो शुरुआत में दे रही हूँ। अनुज जी, एक मिनट का विंडो आपके लिए भी सर रहेगा। ये जो केयरफुली सिलेक्शन है, क्या ए.के. मिश्रा जी जो कह रहे हैं, अनुज अत्रे जी शायद आप सुन पा रहे होंगे अनुज जी मेरी आवाज, शुरुआत में एक मिनट का समय आपके पास रहेगा। ये जो केयरफुली सिलेक्शन का मसला है सर, सर अभी ए.के. मिश्रा जी ने जितने पॉइंट्स गिनाए, क्या वही माना जाए क्या कि खड़गे चॉइस, इसी खड़गे को चूज इसीलिए किया गया क्योंकि सबसे सेफ गेम उन्हीं के साथ खेला जा सकता है? अब देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। अगर आज कांग्रेस पार्टी, जिनके ऊपर बार बार यही लोग जो है, खासतौर से हमारे भाजपा के लोग और भाजपा के प्रेमी लोग जो बोलते थे बार बार कि ये परिवारवाद परिवारवाद परिवार की पार्टी, आज परिवार ने जो है खुलेआम मना कर दिया, खुले तौर पे मना कर दिया, स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हमारे में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, खुली छूट है, कोई भी आए और बने। और इस दौरान हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा और आपने दिखाया भी होगा कि रोज 5-6 नाम आए इसमें कि आज उन्होंने भी नामांकन भरने की इच्छा जाहिर की, उन्होंने भी नामांकन करने की इच्छा जाहिर की, बहुत से नाम आए और अंत में आते आते केवल दो नाम रह गए, खड़गे जी और सुशील थरूर जी का। तो अब मुझे लगता है कि लोगों को अनर्गल जो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसको अध्यक्ष बनाना है। और जब पार्टी चुनाव जीत के आएगी तो उस पार्टी में से कौन सर्वमान्य नेता होगा, कौन उसमें से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है, कौन जब सरकार हमारी बहुमत में आएगी तो उनमें से कुछ को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उनके लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बनस्पित हमारे सोकॉल लोग बैठ करके यहाँ पे अपनी राय दे। और तो फिर तो अनुज जी, फिर तो चर्चा ही, मुझे लगता है फिर तो कांग्रेस पर चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए। देखिए, आपका चर्चा कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, चैनल हैं, आप बैठाइए, खूब चर्चा कीजिए, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो आप कम से कम कांग्रेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, यहाँ बैठ के ये निर्णय ना ले, बिल्कुल सर, ये तो देखिए अनुज जी आप नाराज ना हो क्योंकि ये तो स्वस्थ चर्चा है, ये बहुत ही ओपन डिबेट है। और देखिए 140 करोड़ का देश है, यहाँ तो हम न्यूज रूम में बैठकर स्टूडियो में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो हर चाय की गुमटी पर, हर पान के ठेले पर राजनीतिक चर्चाएं होती है ना, किस किस को रोकेंगे? लेकिन मेरा प्रश्न, हम नहीं रोक रहे, हम तो कह रहे चर्चा करें, अच्छी बात है, सब लोगों को स्वतंत्र है राय देने की, और कांग्रेस की सरकार ने ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया। ये अलग बात है कि आजकल अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर भी सरकार ने जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया और पहरे बिठा रखे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं खूब कीजिए चर्चा, और चर्चा हो रही है, और कांग्रेस चर्चा हो रही है, और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, चाहे हम सरकार में थे
तो भी जनता अपनी राय देती थी, तो भी जनता हमसे सवाल पूछती थी और हम सहर्ष को स्वीकार करते थे। हमने कभी किसी का मुंह नहीं रोका, चाहे विपक्षी लोग हो, चाहे हमारे राजनीतिक विरोधी लोग हो या जनता हो। देखिए अनुज जी, हम लोग विपक्ष में है। नहीं, बहुत गंभीरता से और बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे सर कह रही हूँ, जब घर की सिर फुटअव्वल सड़क पर आएगी। देखिए, दिग्विजय सिंह कल तक नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया में आकर बाकायदा ये बयान दिया कि वो खड़गे से मिलने गए। खड़गे साहब ने कहा कि वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहे हैं। सुबह उन्होंने मीडिया के सामने ये बात अंडरलाइन करके कही कि उन्हें मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए ये बात पता चली। आप जिस लोकतंत्र की बात कह रहे हैं, मैं उसी लोकतंत्र पर सर प्रश्न पूछ रही हूं। मेरे साथ टीएमसी के नेता हैं संजय सरकार जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत चर्चा में स्वागत है। आप क्योंकि कांग्रेस से ही टूटे और आपकी जो नेता हैं वो बड़ी दमखम वाली, बड़ी जुझारू नेता हैं, ऐसे में कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है पिछले 10 दिन से और खासतौर से 5 दिन से, तो सड़क पर सब कुछ है, इस पर आपका जो नोटिस है सर, आप क्या कहते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है। हाँ। कौन हरिजन, कौन दलित, कौन ओबीसी, कौन एसटी, कौन ईसाई, कौन मुस्लिम, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक बात। मतलब है मेरे देश में 766 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 28 स्टेट है, 8 यूटी है और 6118 ब्लॉक है। जहां पर कांग्रेस का संगठन वहां पर बन पाएगा, वहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल उम्र में पहुंच पाएंगे कि नहीं, और 1 करोड़ के ऊपर में बूथ है जहां पर कांग्रेस संगठन कर पाएंगे कि नहीं, उसको ऊपर मेरा सवाल है। कौन क्या कहने की, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ। वहां तक उसको फिजिकली एलिजिबिलिटी कितना पहुंचेंगे, उसको कैपेबिलिटी कितना पहुंचेंगे, कितना रॉबर स्टैम्प रहेंगे, ये देखने का बहुत जरूरत। आज आप बोले हैं ना, आज लोकतंत्र में चाय के दुकान में भी चर्चा होता है राजनीति का, ये बहुत अच्छे बात बोला गरिमा जी, ये हकीकत है। आज सुबह कहीं जाएगा, पेपर पढ़ते पढ़ते, चाय पीते पीते, देखिए कुछ बुजुर्ग लोग वहां पर पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इतना मुद्दा छोड़ के रखे हैं, कांग्रेस को वहां कैच करना चाहिए था। राष्ट्रीय पार्टी है, 28 स्टेट और 8 यूटी में उसका संगठन है, हर ब्लॉक में उसको, मतलब 6118 ब्लॉक में उसका संगठन है, 766 डिस्ट्रिक्ट में उसका डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है, लेकिन वहां पर कोई भी संगठन का सही तरफ से काम करना और बूथ वाइज पहुंचना, 1 करोड़ बूथ में पहुंचना, ये कांग्रेस के पक्ष में संभव नहीं हो रहा है। लेकिन सर, इन्हीं के साथ तो मिलकर आप तीसरे मोर्चे की कवायद करते हैं, एक तरफ से आप सारी खामियां गिनवा रहे हैं, हालांकि आपके सारे पॉइंट टू बी नोटेड हैं सर, जितनी बातें आपने कही। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो जिम्मेदारी है वो बूथ लेवल तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, एज अ प्रेसिडेंट उनके पास कितनी बड़ी भूमिका है ये शायद वो जानते होंगे, कांग्रेस भी जानती होगी, विपक्षी भी जानते हैं, जनता भी जानती है, लेकिन सर आप उन्हीं के साथ तो महागठबंधन की कवायद कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? देखिए, हम कांग्रेस को हमेशा सलाह देता है कि हम लोग भी कांग्रेस से आए थे। हाँ। मेरे राजनीति गुरु पीरंजन दासमुंशी थे, उन्हीं ने हमको पॉलिटिक्स में लेके आए थे, उससे हम जुड़े हुए हैं, हम भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मेरे मन में ये चाहेंगे जो कांग्रेस अच्छे तरफ से विपक्षी के तौर से अच्छे तरफ से वहां पर आए और संगठन बढ़ाए। सिर्फ एक रैली करने में राहुल गांधी को देखने के लिए 10,000 आदमी आ जाने के मतलब वो वोट में तहबील होगा, ये मैं नहीं सोचता हूँ, कभी भी नहीं सोचता हूँ। साल में देखिए, माइग्रेंट बाढ़ जो होता है ना, बाहर से पंछी भी साइबेरिया से भी इंडिया में आते हैं, फिर सर्दी का मौसम में चला जाता है। बंगाल में भूटिया लोग स्वेटर और ऊन चीज बेचने के लिए सर्दी का मौसम में आता है, फिर चला जाता है। सर, 2024 में फिर अकेले चुनाव लड़िएगा, बड़ी मजेदार बातें कहते हैं। मेरे बंगाल में देखिए, एक चीज बताता है गरिमा जी, मेरे 78,903 बूथ में संगठन है। हाँ। हम किसी को सहयोगिता की जरूरत नहीं है, और मैं आपको दावा करता हूँ 42 में 42 सीट जीत रहे, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हम इसको पहले आपके स्टूडियो में जब चुनाव में आते थे, तब मेरे को कंचन जी थी, कंचन जी बोले आप कितना सीट जीतेंगे, हम बोले 215 से 220 सीट जीतेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। 213 सीट 292 में हम जीते थे। अच्छा, स्टूडियो में ये बात बोल के 2024 में कितनी जीतेंगे आप, अपने लेवल पर बताइए। कांग्रेस का गठबंधन नहीं चाहिए फिर आप? मैं किसी का गठबंधन नहीं चाहिए, बंगाल की जनता का गठबंधन है। यहाँ पर हम 42 सीट जीत के हम ऑपोजिशन को एक मजबूत ऑपोजिशन बनाने का मौका देंगे। चलिए, कांग्रेस अपना संगठन करके आगे बढ़ा सकता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है संजय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुज जी भी मेरे साथ हैं, एके मिश्रा जी, समझ पाए सर इन तमाम चीजों को? अनुज जी तो कह रहे हैं चर्चा ही ना हो, वो कह रहे हैं निर्णय ही ना लिए जाए। अरे भैया, नहीं है, अनुज जी के कहने का मतलब ये है डेफिनेटली चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्णायक मंडल होता है यहाँ पे, एक मेरा दूसरा विचार और है। देखिये, खड़गे जी को क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक आंतरिक चुनौती और है। कितने लोग, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो बहुत सीनियर लीडर है इन कैंपरिजन ऑफ राहुल गांधी और सोनिया जी के, सारे प्रहार वही लोग कर रहे हैं
तो सबसे बड़ी ये है कि जो पत्थर आ रहे हैं सर बचाया जाए, पहले अंदर के लोगों को कैसे मैनेज करें, तो एक उनसे भी सुपर सीनियर आदमी को बैठाया जाए, सामने किया जाए। खड़गे जी डेफिनेटली उम्र में और बहुत सारी चीजों में दिग्विजय सिंह और इन सब लोगों से बहुत सीनियर है, तो अपने लिए एक ढाल बनाने में, बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और देश को आगे बढ़ाने का यहाँ पे मुद्दा मुझे कम लग रहा है, एक फैमिली को बचाने का और उनके आधिपत्य को पार्टी पे बना के रखने का यहाँ पे मुझे हिडन जो गेम या जो स्ट्रेटजी लग रही है वो ज्यादा लग रहा है। नहीं सर, लेकिन फिर उस लॉलीपॉप का क्या हुआ, वो जो युवाओं को तरजीह देना, युवाओं को सामने लाना, कल तक तो कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट्स में बैठकर यही सारी चीजें कह रहे थे। मेरे साथ दीपक झा जुड़ गए। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए सर। दीपक जी, फिर उस ये मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति मिल जाना और प्रस्तावकों की लिस्ट देखकर तो सर लग रहा है कि जो नॉमिनेशन है वो नतीजा है, ये इससे आप भी सहमत होंगे, 30 लोग निकलकर सर सामने आ गए प्रस्तावकों की फेहरिस्त में और तमाम बड़े बड़े धुरंधर नाम है। अब ऐसे में अगर खड़गे, जो कि तय ही है, ऑलमोस्ट तय है 99%, खड़गे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सर, तो वो जो लॉलीपॉप है युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को तरजीह देना, उस लॉलीपॉप का क्या हुआ सर? देखिए गरिमा जी, बड़े आश्चर्य का विषय इस देश में क्या हो रहा है। आज भाजपा जब तक कांग्रेस चुनाव नहीं कराती तो कहती है यहाँ तो परिवारवाद चलता है, आज जब चुनाव हो रहा है तो कहती है यहाँ तो एक आदमी मतलब लड़ रहे हैं आपस में और सोनिया गांधी जो कहेंगे वही, ये मतलब इनकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई है। मतलब इनको ताली बजाना है, जैसे शादी ब्याह में लोग आ जाते हैं बाहर कुछ ताली बजा के नाचने वाले, भाजपा वही है 3 में न 13 में और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिसको बोलते हैं। भाजपा 3 में और 13 में तो है बिल्कुल, अभी कांग्रेस के मुद्दे पे नहीं है। देखिए भाजपा को देश की जनता ने जिन मुद्दों के लिए चुना था उन मुद्दों पे भाजपा भागती है, कांग्रेस के पीछे छुपती है। महंगाई पे अगर आप बात करें तो भाजपा कहेगी देखिए अच्छे दिन आ गए हैं, डीजल पेट्रोल की बात करेंगे तो कहेंगे आज वो मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने 3-13 की बात करी, मैं उस पे देश का रुपया गिरता तो प्रधानमंत्री कहते थे देश का चरित्र गिर रहा है प्रधानमंत्री का, तो आज मैं पूछता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की साख इतनी गिर गई है कि आज रुपया कहां पहुंच गया, तो दुख होता है। अगर वो मुद्दा उठाएंगे 3 में 13 में तो हम दुखी हो जाएंगे। बात ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा को हमसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है भाजपा से हमें। आज कांग्रेस एक वटवृक्ष है और इतने नेता हैं इस देश में, आपने भी कहा कि कई बार टूटे फिर भी कांग्रेस पार्टी आज ये था। अरे सर बोनसाई हो गई है कांग्रेस, वटवृक्ष से बोनसाई हो गई है, जो गमले में वटवृक्ष लगता है। सुन लीजिए, आपका मौका खूब मिलेगा, खूब कोसिएगा, जितना मौका नहीं कोसना नहीं, मैं, जो मैं शांत हो जाऊंगा, बता रहा हूं, कोसूंगा नहीं, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं ना भाजपा को कोसूंगा ना कांग्रेस को, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। मेरा एक है कि जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस वट वृक्ष है ना, कांग्रेस वट वृक्ष थी, आज वो गमले में लगे हुए बोनसाई की तरह हो गई है सर। कम से कम आंखें खोल करके तो देखिए, हमारी शुभकामनाएं है कांग्रेस बढ़े, लेकिन अब बोनसाई हो गई है, कैसे बढ़ाए? बिल्कुल ठीक बात है सर, प्लीज कैरी ऑन दीपक जी। सलाह लेने की और शुभकामनाएं लेने की वो भी जरूरत नहीं है, मैं आज बता रहा हूं, वोट लेने की जरूरत है नहीं, मुझे बताइए आपके कांग्रेस को मेरे वोट की जरूरत है कि नहीं? मुझे आपके वोट की और सलाह की जरूरत, आप मोदी जी को वोट, एक आम आदमी के वोट की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। आम आदमी यहाँ पे बैठ के मोदी का माला नहीं है, नहीं है, अरे हमने मोदी का नाम ही नहीं लिया, अरे मोदी का नाम, हमने सीधे बीजेपी को एक बार भी बीजेपी और मोदी का नाम नहीं लिया है। मैं सारे नक्कालों को जानता हूँ, कौन कितना पाक साफ है, मैं खुल के बात बोल रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो मुझे सफाई लेने की और देने की जरूरत नहीं है। बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस एक वटवृक्ष है और कांग्रेस का और हमारा सबका देश का सौभाग्य है, यहाँ कमलनाथ भी है, यहाँ दिग्विजय सिंह भी, यहाँ खड़गे भी हैं, यहाँ गहलोत भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, तो इससे बड़ी और कहीं नहीं होगी बात की लोकतंत्र। और जो लोग भाजपा के नेता भाजपा के लोग कहते हैं लोकतंत्र क्या, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, पार्टी के लोकतंत्र की बात करते हैं, आज आप अपने अध्यक्ष की बात करते हैं, ये बताइए भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता कहते हैं आपने नड्डा जी को कैसे चुन लिया, क्योंकि वो पसंद थे प्रधानमंत्री के। अमित शाह 3 में न 13 में थे, कहीं दूर दूर से नाम नहीं था, और लोग यहाँ कहते हैं अरे नीचे का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता बन गया, अरे तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता को आप बता दिए, तो दरी बिछाने वाला यहाँ पे AK मिश्रा जी है, इनको BCCI का सेक्रेटरी बना देते, इनको नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि वो अपने लाडले को बनाएंगे, तो परिवारवाद वहां जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए सर मैं आपने जितना बताया, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं, मैं तो जो जिंदगी गुजर गई दरी बिछा तो भाजपा में जो दरी बिछा रहे उनको साइडलाइन कर दिया, भाजपा में तो नेता ही नहीं है, सारे आयातित नेता है, दूसरे पार्टियों से ले आओ, अपनी पार्टी में पैसा दो पद दो और गुलाम बनाओ, तो गुलाम बनाने की मानसिकता भाजपा के नेताओं की। मैं आज अपने पार्टी की बात करता हूँ, हमारे पार्टी के लोग देश के गुलाम है, देश के लिए सर कटाएंगे, सर
मिट जाएंगे, लेकिन गुलामी किसी की स्वीकार नहीं करेंगे। ये मोदी और शाह की गुलामी स्वीकार करने वाले इस देश को ना बताएं, इस पार्टी को ना बताएं कि क्या करना। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई नहीं बता रहा है आपको, लेकिन सर जब तमाम चीजें सड़क पर आएंगी ना, तो पत्रकारों की जिम्मेदारी और जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी हमेशा से राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखने की होती है, तो इस नाते आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी अनुज जी भी कह रहे हैं कि आप चर्चा ना करें, निर्णय ना दें। अरे भाई, चाय की गुमटी से लेकर पान के ठेले तक पे भारत की 140 करोड़ जनता चर्चा करती है। सर किस किस को रोकेंगे, किस किस के मुंह पर टेप लगाइएगा? चर्चा बहुत जरूरी है, चर्चा के बाद ही विचार विमर्श होने के बाद ही परिणाम निकलता है, अच्छी बात है। चर्चा करिए। दीपक जी, मैंने प्रश्न आपसे कुछ और पूछा था, अनुज जी से भी मैंने प्रश्न कुछ और पूछा, लेकिन आप चले जाते हैं नरेंद्र मोदी पर। आप कहते हैं वो 3 में नहीं है 13 में नहीं है। 3 में 13 में सर है, इसीलिए 10 साल से सरकार चला रहे ना। मैं इसीलिए जब 3 और 13 में आएंगे तो फिर मैं उनसे, मित्रों अच्छे दिन आ गए तो फिर हम उसमें भी बात करेंगे। नहीं सर, मुझे तो बता दीजिए सर, मैंने तो नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है ना कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, मेरी तो जिम्मेदारी है। अमित शाह जिम्मेदारी, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है, गरिमा सिंह की जिम्मेदारी है ना। कि गरिमा सिंह पूछ रही है कि जो वो कल तक लॉलीपॉप था कि युवाओं को आगे लेकर आया जाएगा, उस लॉलीपॉप का क्या हुआ? बस मैं इतना पूछना चाहती हूं। हमारे यहाँ युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान है। हम आडवाणी जी की तरह, मुरली मनोहर जी की तरह साइड लाइन नहीं करते, चलो हटो तुम। सीताराम केसरी भी एक थे, उनका सम्मान हुआ था। अरे सुन लीजिए, आप खूब बोलिए, सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव जी का, सबका नाम ठीक है सर। ज्यादा ठीक है, मैं अभी तुहिन जी के पास चले जाती हूँ। चलो बहुत ज्यादा हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हो गया। तुहिन जी के पास चले जाते हैं। तुहिन जी, वट वृक्ष है कांग्रेस और बीजेपी 3 में और 13 में नहीं है, और आपके यहाँ भी लोकतंत्र का, इंटरनल लोकतंत्र का मामला खटाई में है सर। आप लोग भी एक, आप लोग भी जेपी नड्डा को एएनआई के ट्वीट से जितवा देते हैं, एएनआई बता देता कि जेपी नड्डा अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कहावत सूरज की ओर देख नहीं। सर आवाज आपका ब्रेक हो रही है, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, प्लीज एक बार देख लीजिए अपना। हाँ जी, Yes, you are audible, sir. You are very much audible now. Please. कहावत है सूरज की ओर देखकर नहीं थोका करते। अगर कांग्रेस ये बेसिक समझ जाए ना, तो कांग्रेस का घर टूटने से बच जाएगा। ये लोग चले हैं देश को तोड़ने के लिए, अपनी पार्टी जो है टूटती जा रही है, ये तुलना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। आवाज फोन कट गया आपको, डायरेक्ट सुनाई पड़ रहा है क्या? सर वेरी मच ऑडिबल, यू आर वेरी मच ऑडिबल सर, प्लीज कंटिन्यू विद योर रिमार्क्स, प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि इनको परवाह इस बात की है कि भाजपा में चुनाव नहीं होते। अरे पिछले 24 साल में जब से सोनिया गांधी जी बनी है आपकी अध्यक्षा, तब से हमारे 10 अध्यक्ष बन चुके हैं, और कुछ उसमें ऐसे थे जो पोस्टर लगाकर अपने अपने राजनीतिक जीवन का जिन्होंने प्रारंभ किया था। आप ग्राफ देखिए दोनों पार्टियों का, हम नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रखे या इलेक्टेड प्रेसिडेंट रखे, हमारी ग्राफ बता रही है कि हमारी स्वीकृता जो है 10 गुना बढ़ी है पिछले 24 सालों में, आपकी जो स्वीकृता है वो शायद 30 गुना कम हुई है। तो आप अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आचरण को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो। जो मैं बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, इनके अंदर एक वैचारिक भ्रष्टाचार आया है। अच्छा। जो ये समझने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वो वैचारिक भ्रष्टाचार ये नहीं हटाएंगे कांग्रेस पार्टी से, कोई भी ना तो ढंग का प्रेसिडेंट बन पाएगा, ना ये कांग्रेस पार्टी सरवाइव कर पाएगी। और उसके मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इनका पहला रिएक्शन क्या था? हाँ। ये शक कर रहे थे, और ये शुरुआत भी 1998 से हुई थी जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वाजपेयी जी के जमाने में। 10 दिन इनको लगा था ये कहने, ये पहले रिएक्शन की, और पहला रिएक्शन भी ये था कि हमारे एक इंडिया के लिए रेस्ट्रेंट ज्यादा जरूरी है। तो अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर ये हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, तो जनता इनको नकारेगी। और ये बात जो हम भूल जाते हैं कि कोई भी इनका प्रेसिडेंट बने, भारत को जो है एक ढकोसला है, इनका इलेक्शन जो है एक ढकोसला है, ये कांग्रेस पार्टी को टूटने से कोई नहीं बचा सकता जिस तरह से आगे बढ़े। अनुज अत्रे जी, ये जो इलेक्शन और सिलेक्शन ये सब जो चल रहा है, ये ढकोसला है, ऐसा तुहिन जी को लगता है और ऐसा पूरी बीजेपी को लगता है? ये बिल्कुल लगेगा, लेकिन ढकोसला लगेगा कि जिनके यहाँ जिस चीज की परंपरा नहीं है, जिनको लोकतंत्र में, जिनको ना अपने पार्टी में, ना इस देश के लोकतंत्र में, ना संविधान में जिनको विश्वास नहीं है, उनको सब कुछ ढकोसला ही लगेगा। ठीक है, उनके लिए लोकतंत्र और पार्टी का संविधान वही है कि जहाँ वन मैन शो और टू मैन आर्मी की प्रथा चलती हो, और जो ऊपर से तय हो गया हो कि आज जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बनेंगे, ना कोई पार्टी किसी कार्य समिति को मालूम हो, ना कहीं कोई वोटिंग की प्रथा हो, ना कोई चुनाव की प्रथा हो, ना किसी को नॉमिनेशन करने की छूट हो, ना किसी को सिलेक्शन और इलेक्शन की कोई आसानी।
किसको मालूम था कि जेपी नड्डा जी जब आपसे पिछले कार्यकाल में जब अध्यक्ष बने थे किस नीति के तहत और किस व्यवस्था के तहत अध्यक्ष बने थे जरा बता दीजिए तो नीति बैठे या अभी जब उनका उनको अगले टर्म के लिए एक्सटेंशन मिला है तो ये किसने निर्णय लिया है कौन सी कार्य समिति ने भारतीय जनता पार्टी की कौन से निर्णायक मंडल ने लिया है कौन से मार्गदर्शक मंडल से मार्गदर्शन लिया है ठीक है छोटा सा मैं अनुज जी छोटा सा जवाब ले लेती हूँ तुहिन जी से फिर आपके पास एक बड़े गंभीर प्रश्न के लिए आ रही हूँ तुहिन जी मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 ये अपने संविधान का पढ़ने सी तक उसी में 24 में से 23 में से 12 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होने हैं आप बता दीजिए उनका नाम सर नड्डा जी पर प्रश्न है नड्डा जी पर प्रश्न है जरा उस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए फिर मैं जाती हूँ अनुज जी के पास पूछती हूँ उनसे क्या नड्डा जी का क्या प्रश्न है सर प्रश्न ये है कि इंटरनल डेमोक्रेसी तो आपके यहाँ भी खटाई में है हम नॉमिनेट करें या इलेक्ट करें अगर उसको उस व्यक्ति को जो जो पार्टी प्रेसिडेंट बनता है उसको यूनानिमसली स्वीकृति मिलती है अगर हमारे कोई नेता विरोध नहीं कर रहे हैं जैसे इनके तो हर स्टेट में ड्रामा हो रहा है अगर यूनानिमस सपोर्ट है उनके पास ये कांग्रेस को इस बात की चिंता क्यों है कि वो नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड है डेमोक्रेसी में हमें समझा रहे हैं नॉमिनेटेड और इलेक्टेड से डेमोक्रेसी का अंतर नहीं पड़ता है जिस एक स्वर में हमने गुजरात के अंदर पिछले साल लीडरशिप नेतृत्व को बदला कर्नाटक में बदला वो दिखाता है कि किस प्रकार एक एक इलेक्टेड या नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हो उसको हर व्यक्ति उसके निर्णय को स्वीकार करता है ये अनुशासन आज कांग्रेस में नहीं दिख पा रही है ये उनकी चिंता होनी चाहिए ये अनुशासन नहीं दिख पा ठीक है तो इन जी अनुशासन का ही मसला है ना कि सब कुछ सड़क पे आ जा रहा है दीपक जी मैं प्रश्न सर आप पर छोड़कर जाती हूँ फिर ब्रेक पर मुझे जाना है और प्रश्न सर ये है कि जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी का हवाला देकर इलेक्शन कराए जा रहे हैं 24 साल बाद ही सही लेकिन इलेक्शन हो रहा है अब उस पार्टी में एक नॉमिनेशन फाइल करने वाला व्यक्ति पहले से जो तय था दिग्विजय सिंह के तौर पर उसको ये नहीं पता था पूछने के बावजूद आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़गे साहब ने उनको नहीं बताया कि नॉमिनेशन फाइल करेंगे वो कल सुबह 11:30 बजे उनको मीडिया ब्रीफिंग से पता चल रहा है कि खड़गे साहब नॉमिनेशन फाइल करेंगे सर जिस इंटरनल डेमोक्रेसी का हवाला दे रही है कांग्रेस पार्टी कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको आपस में बोलचाल तक नहीं है सर पूछने के बावजूद नहीं बताया जा रहा है देखिए गरिमा जी चुनाव में प्रक्रिया होती है इसीलिए तिथियां डेट्स निर्धारित की जाती है कि इस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं और इसके बाद आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं सर स्पेसिफिक क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ईमानदारी से जवाब देंगे मुझे खुशी होगी बिल्कुल मैडम मैंने ईमानदारी से बात करने की कोशिश करूंगा एक कब किसका विचार परिवर्तन हो जाए कब कौन चाहेगा कि मैं संभाल पाऊंगा जिम्मेदारी लेना चाहूंगा नहीं लेना चाहूंगा तो नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि राष्ट्र सेवा करना है देश सेवा करना है आप अध्यक्ष बन के ही सेवा कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो खड़गे जी सम्मानित नेता हैं और सीनियर लीडर तो दिग्विजय सिंह को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो लड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहूंगा तो अच्छी बात है अरे एक दिन पहले तक वो पूछ रहे थे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं तो मैडम उनका मन नहीं बना था इसपे और कोई दो मत नहीं हो सकते कि कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं नहीं लड़ रहा हूं तो आप लड़िए दिग्विजय सिंह का अगर आप लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा तो उनका निर्णय आया तो उसके बाद दिग्विजय सिंह पीछे आ गए इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है बात यह है कि आज लोगों को सवाल संजय जी हाँ। मौका मिल गया है कि कांग्रेस में चुनाव हो रहा है जो लोग भाजपा के नेता और कल तक सर पटक के रोते थे हाँ। कहते थे कांग्रेस का एक ही सर चुनाव है नहीं होता था सर चुनाव है नहीं आप इसको चुनाव भले ही कह लीजिए शशि थरूर जी ने और त्रिपाठी साहब ने नॉमिनेशन जरूर फाइल किया है लेकिन प्रस्तावकों की तादाद देख लीजिए ना सर आपकी पार्टी का इंटरनल संविधान कहता है कि 10 प्रस्तावक जरूरी है मैडम कमियां आप निकालने बैठ जाए तो 500 कमियां निकालने को निकाल सकते सर मेरा तो देखिए काम है मैं वही बोल रहा हूँ आपका पत्रकार है मैं आपकी सराहना करता हूँ लेकिन मैं तो भाजपा पे सवाल रखता हूँ मैं आप पे अंगुली नहीं उठा सकता कि भाजपा के लोग सीना पीट के छाती पीट पीट के रोते थे जैसे मतलब विलाप करते हैं कि इनका पता नहीं हाय राम क्या लूट गया मैं बर्बाद हो गए ऐसे लोग हैं आज कांग्रेस पार्टी चुनाव कर रही है उनको एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है इस मौके पर कम से कम तुहिन जी बहुत छोटा सा मुझे रिमार्क दे दीजिए फिर संजय जी के पास जाना है और फिर ब्रेक पर जाना है तुहिन जी इस बात होती है कि आज देश में जो है ना कांग्रेस की वजह से कांग्रेस का जो हाल है एक ढंग का विपक्ष नहीं है जो डेमोक्रेसी में जरूरी है और आज आप तो चुनाव कर भी रहे हैं तो जो चुनाव की शुरुआती लक्षण ऐसे हैं कि उसमें कोई किसी को कोई विश्वास आ नहीं रहा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इलेक्टोरल लिस्ट हमें बता दें कौन कौन वोट करने वाला है आप वो नहीं बता पाएंगे आप भी नॉमिनेशन फॉर्म ले लीजिए और जाके चुनाव लड़ लीजिए सदस्यता ले लीजिए और जाके फॉर्म भर देते तो आपका भी स्वागत था इसलिए
अनाप शनाप बातें इधर उधर की बातें मत करिए, आप जाते सदस्य लेके चुनाव लड़िए और पता चल जाता कि आप वहाँ कौन अध्यक्ष बन सकता है कौन नहीं। कश्मीर में बात वो कांग्रेस का होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। आप लोग इलेक्शन रिग करते थे कश्मीर में, जी मतलब करते भी चुनाव लड़ सकते थे, कांग्रेस की डेमोक्रेसी है। तुहिन जी आपको आमंत्रण है, कांग्रेस की डेमोक्रेसी में दीपक जी आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी सदस्यता ले लीजिए और आप भी चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन तुहिन सिन्हा जी भाजपा में वोट देने के काबिल भी नहीं है, भाजपा में वोट देने के काबिल भी नहीं है आप। तुहिन सिन्हा जी नड्डा साहब कैसे बन गए चोरी चोरी चुपके चुपके, आपको भी पता नहीं चला और लड्डू बट गए, अध्यक्ष के पीछे लग गए आप लोग। तो ऐसे लोकतंत्र में आप आस्था रखते हैं जहाँ पे स्टैंप अध्यक्ष स्टैंप सीएम रातों रात बदल दिए जाते हैं और मंत्री और विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं है, तो ऐसे लोकतंत्र को तो आप ठेंगा दिखाते हैं। चलिए सर, अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है, वैसे अभी पटाक्षेप नहीं हुआ, अभी तो राजस्थान की चुनौती आपके सामने खड़ी है। लोकतंत्र के प्यारे तो नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं सिर्फ मेरा चेहरा देखना बाकी कोई नहीं है, विधायक का चुनाव हो सांसद का चुनाव हो, अरे कैसे आपका चेहरा देखे वहाँ पे क्षेत्र में एक जन प्रतिनिधि होता है। ठीक है संजय जी, संजय जी आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज कह रहे हो। भाग जाते हैं डर के, हाँ संजय इतने चेहरे लेके आते हैं ना, लोग डर के भाग जाते हैं, बोलते हैं इनसे हमें कोई वास्ता नहीं। ठीक है संजय जी प्लीज कैरी ऑन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद क्या प्रवक्ता भी अब समझ गए कि किस लाइन पर चलना है, क्योंकि वहां पर भी अब जय जयकार बीजेपी की हो रही है और कांग्रेस को विष बेल बताया जा रहा है। इसी प्रश्न पर मैं आऊंगी और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इस डिबेट में बेसिकली मसला ये नहीं है कि खड़गे बन रहे हैं या कोई और बन रहा है और पार्टी के भीतर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वो सड़क पर क्यों आ रही हैं, प्रश्न और भी बहुत सारे हैं। सारे खास मेहमान मेरे साथ हैं। एके मिश्रा जी आपसे इस सेगमेंट की शुरुआत कर रही हूं। अभी संजय जी ने रबर स्टैंप का जिक्र किया, सर ये रबर स्टैंप वाला कोई देखते हैं क्या आप भी कि खड़गे रबर स्टैंप के तौर पर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ज्यादा मुफीद हो सकते हैं, इसीलिए एंड मोमेंट पर उनका नाम सामने आ गया। रबर स्टैंप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यस बॉस यस मैम अगर इस तरह का बोला जाए तो मैं ज्यादा बेटर समझता हूँ। देखिए मैं बहुत क्लियर इसको बोलता हूँ, खड़गे जी का पैन इंडिया लेवल पे आप मुझे बताइए कोई ऐसा सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो बन रहे हैं तो क्या ये प्रॉमिस करेंगे कि 2 महीने के बाद ये पदयात्रा मैं करूंगा या कुछ इस तरह की पूरे राष्ट्र को जोड़ने की। मुझे प्राइमा फेसी जो लगता है वो ये लगता है कि सबसे ज्यादा प्रहार अभी जितने नेता गए हैं जितिन प्रसाद ये वो कपिल सिब्बल सब देखिए सब ने जो है 3 लोगों पे 4 लोगों पे यानी परिवार के ऊपर ही कुल मिलाकर के आक्षेप लगाया और ये एक फेल्योर साबित करते हुए चले गए हैं। तो जो पहला सुरक्षा घेरा बनना है वो ये बनना है कि कोई ऐसा लीडर हो, चूंकि इन लोगों की उम्र कम है राहुल गांधी वगैरह की और वो सब बहुत सीनियर थे मतलब उम्र के हिसाब से, तो पहला सुरक्षा घेरा ऐसा बने कि जो कि जबरदस्त एज के हिसाब से सीनियर हो, कांग्रेस में भी बहुत दिनों से हो, जिसको देख करके उसके ऊपर लोग प्रहार न कर पाए, यानी अपने आप को बचाने के लिए पहला ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए ये कितना सक्सेस होंगे, जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं नॉर्थ इंडिया की या इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है साउथ की अपने स्टेट की माना जा सकता है, लेकिन पूरे कांग्रेस को और ऐसे चैलेंजर को देखिए दिग्विजय सिंह खुद इनके लिए चैलेंजर रहेंगे, उनको मैनेज करना मुश्किल है, उनका ईगो कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं ईगो कॉन्फ्लिक्ट नहीं बात, अगर ईगो कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो ना तो भी यहाँ पे जो समकक्षी होते हैं या जो महत्वाकांक्षी होते हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। वही ना कि मेंढक सब पकड़ पकड़ के टांग एक दूसरे के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैनेज करना वो चैलेंज जो है इनके सामने होगा, वो तो पहले भी नहीं कर पाए, वहाँ गए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अच्छा सर यहाँ पे एक चीज भी गए थे, ठीक है यहाँ पर एक चीज और मुझे बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट समझाइए सर कि खड़गे क्या राजनीति की ये जो तिकड़में होती हैं मारना काटना बिना बोले खामोशी से जो मार देना विरोधियों को, क्या खड़गे के भीतर ये है कि गहलोत को भी मैनेज कर लेंगे दिग्विजय को भी मैनेज कर लेंगे और ये सब कुछ कर पाएंगे और इसके साथ साथ पार्टी को भी सर्वाइवल मोड पर ले जाएंगे। मैं आपको बताऊं पास्ट में जब से मतलब अगर आप देखिए 2010 वगैरह से अगर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करिए तो हो सकता है कोई एकाध एग्जाम्पल हो, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट में कभी खड़गे सफल नहीं हुए, उसका लाइव एग्जाम्पल आप देखिए राजस्थान में जब ये मिलने गए थे सबसे बड़ी लेटेस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट का अपॉर्चुनिटी उनके पास था, लेकिन उस क्राइसिस को मैनेज वो नहीं कर पाए, सब कुछ उल्टा हुआ यहाँ पर जाके, मतलब सारी फजीहत हो गई जिसको बोलते हैं धोती फाड़ कुर्ता फाड़ इलेक्शन होना, वो चीजें हो गई यहाँ पे, पार्टी को इतना डैमेज हुआ। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो एक स्किल सेट होना चाहिए वो नहीं है, आपको ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट जो कांग्रेस में चल रहा है
तो वो चीजें तो मुझे अभी नहीं दिख रही हैं। चलिए 2024 में कैसे कॉम्पीट करेंगे, बड़ा प्रश्न है। दीपक जी आप ही पर आती हूँ। क्राइसिस मैनेजमेंट का स्किल खड़गे के पास नहीं है, ऐसा हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट को लगता है। सर आपको क्या लगता है? देखिए मिश्रा जी ने यहाँ पे अच्छे विचार व्यक्त किए, मैं इनका इस विचार का स्वागत करता हूँ। जो पहले थे वो पूरे तरीके से भाजपा ही थे, लेकिन इस बार जो था बिल्कुल एक विश्लेषण किया है। बात यह है कि आप देश को साउथ नॉर्थ में मत बांटिए, संजय जी आप देश को ईस्ट एंड वेस्ट में मत बांटिए। हिंदुस्तान है, एक देश है, एक नजरिए से रखिए। साउथ का भी बन सकता है, नॉर्थ का भी बन सकता है। नहीं, ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्शन सर आपने बोल दिया ना, साउथ के इधर का समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, अब मैं कहूँ उनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी की समझ नहीं, हमारे जिले की समझ नहीं होगी। तो समझ किसी को किसी की नहीं है, समझ हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और जो व्यक्ति हिंदुस्तान को समझेगा वो हिंदुस्तान की राजनीति को समझेगा, हिंदुस्तान की जनता के हितों को समझेगा, उनके मुद्दों को समझेगा, ना कि पार्टी करेगा। अभी तो सर पार्टी समझना जरूरी नहीं लग रहा है क्या? देखिए इधर भारत जोड़ो यात्रा पर आप निकले हुए हैं, दूसरी तरफ राजस्थान। दीपक जी दस सेकंड, गरिमा जी ने भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, इससे प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने खेल में क्या किया, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत। तो ये वही भारत जोड़ो, तो इतना कॉपी कर रहे हैं, इतनी नकल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तोहिन जी आप कॉपी, अब आप कॉपी, आप कॉपी मूवमेंट पर आ गए। तोहिन जी जुड़ेगा भारत, नाउ यू आर ऑन द स्टेज व्हेन यू आर कॉपिंग।